आपके साथ आकिल रजा। हाथरस मामले को लेकर अभी भी कई सारे वीडियो हमारे सामने आ रहे हैं। अब तक जो कुछ रहा वो आपने देखा कि किस तरह से प्रशासन जो है वहाँ पर प्रशासन का रवैया रहा, योगी सरकार किस तरह से काम करती हुई नजर आई, मीडिया किस तरह से वहाँ कवरेज कर रही थी और विपक्षी दल के नेता जब वहाँ पहुँच रहे थे तब प्रशासन क्या कर रहा था, किस तरह से सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा था। लेकिन अब जो दो वीडियो सामने आए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। उन दोनों वीडियो पर मैं बात करूंगा और साथ ही साथ प्रशासन जिस जो हवाले दे रहा है उन पर मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं दिखा देता हूं एक वीडियो जो कि आरएलडी के नेता जयंत चौधरी का है। जयंत चौधरी जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हाथरस पहुँचे थे उस वक्त पुलिस ने ना केवल उनके बल्कि उनके समर्थकों के खिलाफ जो है वो लाठीचार्ज किया और वो वीडियो देश भर में वायरल हुआ। विपक्षी नेताओं में अधिकतर नेताओं ने इस पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है और सीधा सीधा आरोप लगाया है कि आखिर पुलिस चाहती क्या है। सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ दोनों दिन किस तरह से बर्ताव प्रशासन का रहा है वो आपके सामने रहा है और किस तरह से मीडिया कवरेज को रोका गया प्रशासन के द्वारा, गांव के अंदर एंट्री नहीं दी गई, परिवार को बंधक बनाकर रखा गया, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। इन सारी तस्वीरों के सामने पुलिस का ये कहना कि वो सुरक्षा को लेकर वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से जातिगत आधार पर कोई दंगा फैले, किसी तरह का विवाद वहाँ पर हो, इस वजह से ये सुरक्षा लगाई गई है। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है इस पर ही हम बात करने वाले हैं। जब ऐसे समय में जब सुरक्षा वहाँ धारा 144 की बात की जा रही है और विपक्षी नेताओं को रोका जा रहा है, यहाँ तक कि मीडिया को रोका जा रहा है, तो फिर ऐसे समय में उसी गांव के अंदर सवर्णों की बैठक कैसे हो जाती है, उसे परमिशन कैसे दे दी जाती है। और सिर्फ बैठक ही नहीं, अब सोचिए कि जब भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पीड़ित परिवार से मिलने वहाँ पर पहुँचे तो पीड़ित परिवार के घर के बाहर कुछ लोग आ जाते हैं, उनका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि वो किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को वहाँ पर फूंकने की बात करते हैं, उसको रावण बताते हैं कि रावण को हम सरेआम फूंक देंगे और उसको बताते हैं कि हमसे आके मिल, यानी सीधा सीधा जो है एक तरीके से चेतावनी धमकी देते हुए वो नज़र आते हैं। और ये जो सब कुछ हो रहा है वो पुलिस की निगरानी में हो रहा है। आपको याद होगा एक तस्वीर जब दिल्ली में दंगे भड़के थे फरवरी के महीने में CAA NRC प्रोटेस्ट को लेके चलते, उस वक्त कपिल मिश्रा बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का वीडियो सामने आया था जहां पर वो पुलिस के सामने खड़े होकर सीधा सीधा धमकी देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने तक तो हम चुप हैं और उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। सेम वैसे ही परिस्थिति कुछ यहाँ पर भी नज़र आ रही है। जब प्रशासन को सवाल यह है कि जब प्रशासन को सुरक्षा का वहाँ पर किसी भी तरीके से के विवाद ना फैले, दंगा ना भड़के, इसकी जिम्मेदारी पुलिस ले रही है, इसकी वजह से सारे लोगों को अनुमति नहीं मिल रही है वहाँ पर जाने के लिए, तो फिर वो लोग कैसे सरेआम धमकी देते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और आप देख सकते हैं वीडियो में कि कैसे वो इतने आक्रोशित अंदाज में पीड़ित परिवार को धमकी दे रहा है, पीड़ित परिवार से मिलने वालों को धमकी दे रहा है और किस तरह से पुलिस उसके पीछे खड़ी है। आप ये वीडियो भी देख लीजिए। दशहरा आने वाला, इसे भी फूंक देंगे रावण की तरह। और चेतावनी है बेटा, या तो भाई भाई मिलके काम कर ले, नहीं तो चेतावनी है राष्ट्रीय सवर्ण परिषद की, एक एक कार्यकर्ता सवर्ण भाई। पैसे हमारे लिए दलित सवर्ण कोई अलग नहीं, हम सब एक हैं, पर लेकिन अगर तेरे ऐसा व्यक्ति ऐसे कुरुचित काम करेगा तो हम तेरे को फूकने की देरी नहीं करेंगे। ये लड़की भी हम बहन है, इसको न्याय मिलना चाहिए। पता तो चले कि संदीप इस पे नहीं है, एएमयू की रिपोर्ट, इसको CBI पे भरोसा नहीं है, आराम से, इसको SIT पे भरोसा नहीं है, इस पे कानून पे भरोसा नहीं है। क्या एक बार मुलाकात कर, हम तुझे भरोसा दिलाएंगे। जो तू यहाँ राजनीति कर रहा है ना, तुझे भरोसा दिला देगा। दौड़िया ठाकुर घर में पैदा होना, एक बार भरोसा दिला बेटा हमारा, तेरे मुलाकात करने तेरे भाई आए बड़े, आजा जल्दी आ।
तो दोनों वीडियो मैंने आपको दिखाई। पहला वीडियो वो था जब आरएलडी के नेता पीड़ित परिवार से मिलने के लिए वहां पहुंचे थे, तो कैसे पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, उनके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। और दूसरी तस्वीर वो है जहां पर अपने आप को ठाकुर बताने वाला व्यक्ति सरेआम धमकी देता हुआ नजर आ रहा है, सरेआम वो चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस उसके पीछे खड़ी है। दो तस्वीरें और वायरल हो रही हैं। एक तस्वीर ये आपके सामने रही, जो तस्वीर आप देख सकते हैं ये वही है जो वहां पर धमकी दे रहा था और हाथ जोड़कर, और कैसे पुलिस प्रोटेक्शन कथित तौर पर इसे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये प्रियंका गांधी हैं जो कि विपक्ष का चेहरा है। जब ये मिलने जा रही थी तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से इनके साथ कैसा व्यवहार हुआ वो तस्वीरें आपके सामने आ चुकी हैं, कैसे धक्का मुक्की हुई और खुद राहुल गांधी गिर गए थे जब राहुल गांधी को के साथ धक्का मुक्की हुई थी और राहुल गांधी को पीछे धकेलने की कोशिश की गई थी। देश भर में यहां तक कि जो बाकी विपक्षी दल हैं, जो उनके आपस में मतभेद रहते हैं, वो भी राहुल गांधी के साथ खड़े हुए नजर आए, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी शामिल हैं और बाकी विपक्षी दल भी शामिल हैं। खुद बसपा सुप्रीमो मायावती का भी इस मामले को लेकर ट्वीट आता है कि विपक्ष को इस तरह से नजरअंदाज करना या यूं कहो कि सत्ता के बल पर पीछे धकेलना यह गलत है, इसकी निंदा उन्होंने भी की है। अब मैं आपको बताता हूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर क्या कहते हैं। उनका बयान आता है कि यहां पर जातिगत या सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश की जा सकती है, ऐसा अनुमान वो लगा रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर उनका प्रशासन फिर कर क्या रहा है? अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उनका प्रशासन क्यों हाथ का हाथ धरे बैठा है? आखिर वो लोग कौन हैं जो सरेआम पीड़िता के घर के बाहर बैठकर धमकी दे रहे हैं और पुलिस के सामने उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? विपक्षी नेताओं से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, मीडिया से प्रशासन को डर है, लेकिन उन लोगों से डर क्यों नहीं है जो लोग बाहर बैठे हुए देख लेने की धमकी दे रहे हैं, वो सामने से चुनौती दे रहे हैं? वो दंगा, क्या वो दंगा भड़काने की बात नहीं है? क्या वो उसको धमकी नहीं माना जाए? क्या पुलिस को उनके सीधे सीधे स्टेटमेंट सुनाई नहीं दे रहे हैं, जिस तरह से कपिल मिश्रा का स्टेटमेंट सुनाई नहीं दिया था? ये गंभीर आरोप है और इससे बड़ा आरोप भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने लगाया जाकर, जब उन्होंने वाई ग्रेड की सिक्योरिटी की मांग की, उन्होंने कहा कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा उसके परिवार को मिलनी चाहिए और उसकी वजह यह है कि उनका परिवार जो है वो किसी भी हालत में यहाँ पर रुकना नहीं चाह रहा है, उनको धमकियाँ मिल रही हैं और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। तो भीम आर्मी चीफ ने जब ये मांग की है और उसके साथ साथ उस परिवार वालों को भी वीडियो में देखा जा सकता है कि वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ, उन्हें यहाँ पर सुरक्षा के लिए उन्हें खतरा है, उन्हें डर लग रहा है यहाँ पर रहने में, क्योंकि वो माहौल देखा भी जा सकता है कि किस तरह से वहाँ से पूर्व बीजेपी के जो विधायक हैं वो किस तरह से सरेआम परिवार पर ही आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि दरअसल पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ ही नहीं है, पीड़िता के भाई और पीड़िता के बाप ने, मां ने मिलकर ही पीड़िता की हत्या की है। इस तरह के सोचिए गंभीर आरोप, और उससे ज्यादा हास्यास्पद बात यह है कि नार्को टेस्ट की बात की जा रही है। अब सोचिए कि आज से पहले हमारे देश में क्या किसी पीड़िता के साथ नार्को टेस्ट हुआ है या फिर आरोपियों का नार्को टेस्ट होने की जरूरत है? ये कई गंभीर सवाल हैं। और इससे बड़ा सवाल, एक और आखिरी सवाल, वो सवाल ये है कि जब पीड़ित परिवार की सुरक्षा की बात प्रशासन कर रहा है, पीड़ित परिवार को पूरी सद्भावना देने की बात योगी सरकार कर रही है, तो फिर क्या वजह है कि पीड़ित परिवार के गंभीर आरोप लगाने के बाद भी हाथरस के डीएम अभी भी वहां पर मौजूद हैं, तैनात हैं? उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई है? और सीएम योगी के इस बयान को लेकर कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने क्या कुछ कहा है, वो ट्वीट भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये ट्वीट आपके सामने रहा, अलका लांबा सीधे सीधे बहुत तल्ख तेवर में सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखती हैं अपने ट्विटर हैंडल से। वो कह रही है कि कायर ढोंगी, ये वो क्या लगा रखा है? दम है तो साफ साफ नाम लें, सबूत पेश कर जनता के सामने रखें, वरना अपनी बकवास बंद कर और इस्तीफा दें। दिल्ली की तरह यूपी में दंगा भड़काने, अपराधियों को बचाने की जो साजिश है हो रही है वो और कहीं से नहीं, मैं साफ साफ कहती हूँ, वे लखनऊ में सीएमओ से ही हो रही है। यानी अलका लांबा ने सीएमओ यानी सीएम योगी आदित्यनाथ पर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि वहाँ पर जिस तरह से दिल्ली में
दंगे भड़काए गए थे एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान। अब हाथरस में दंगा फैलाने के बाद इस मुद्दे को हवा हवाई करने के लिए दंगा भड़काया जाएगा और वहां पर दलितों को टारगेट किया जाएगा, ये कहने की कोशिश कर रही हैं अलका लांबा और सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ पर यानी सीएमओ पर आरोप लगा रही हैं कि वो ऐसा चाहते हैं। लेकिन इसमें सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि जब इतने सारे सवाल उठ रहे हैं प्रशासन के ऊपर, इतने सारे सवाल उठ रहे हैं डीएम के ऊपर, इतने सारे सवाल उठा रहे हैं विपक्षी नेता उनके ऊपर हुई कार्रवाई को लेकर, तो प्रशासन ऐसा क्यों करना चाहता है या उन सवालों के जवाब में कार्रवाई डीएम के ऊपर क्यों नहीं हो रही है? और मीडिया जिस तरह से कवरेज कर रहा है, मीडिया को रोकने की कोशिश क्यों की गई? और एक जो महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर किसके कहने पर हाथरस की गुड़िया की रातों रात चिता जला दी गई, किसके कहने पर? ये वो सवाल हैं जो जिनका अभी तक जवाब नहीं मिला है। लेकिन अब आपको बताते चलें कि अब जो है कुछ कथित मीडिया चैनल्स के द्वारा प्रोपेगेंडा ये फैलाया जाएगा कि वहां पर जातिगत जो है हमलों की तैयारी की जा रही है, फंडिंग की जा रही है, किसी भी तरीके के दंगे हो सकते हैं वहां पर। और इन सारे अफवाहों के चलते, जबकि इन पर कोई भी अगर इन पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है तो सीएम योगी आदित्यनाथ या प्रशासन उनका संज्ञान ले कि अगर ऐसा कुछ है तो इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है। और आप देखना कि इसके चलते इन मुद्दों को हवाई करने की कोशिश की जा रही है, और अगर ऐसा नहीं है तो धारा 144 के चलते वहां पर किसी भी तरीके की पंचायत को नहीं होना चाहिए था। वहां पर इस तरह से दूसरे जाति के जो लोग हैं वो खड़े होकर जो धमकी वाले वीडियो आ रहे हैं वो नहीं आने चाहिए थे। अगर ये आ रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि प्रशासन के संरक्षण के तले ये सारी चीज़ें हो रही हैं? ये वो सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं, ये वो सवाल हैं जो विपक्षी नेता खड़े कर रहे हैं, और ये वो आरोप हैं जो विपक्षी नेता अपने ट्विटर हैंडल, अपने वीडियोस है और उनके ऊपर कार्रवाई हुई है इस वजह से वो खड़े कर रहे हैं। बहरहाल सारी सिचुएशन आपके सामने रखी, वो वीडियो भी आपके सामने रखी जिन वीडियो में विपक्षी नेताओं के ऊपर पुलिस की कार्रवाई, और वो वीडियो भी मैंने आपके सामने रखा जिन वीडियो में पुलिस मूक दर्शक बने खड़ी है और धमकी वहां पर दूसरी जाति के लोग दे रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है, आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।